अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेसिक्स ऑफ आईसीटी। मैं हूँ सना मुख्तार और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ लेकर आई हूँ वो है सॉफ्टवेयर। जी, सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है। लेट मी टेल यू, जो भी चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली देखा जाए तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसने क्या करना है और कैसे करना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स को कहा जाता है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए डिज़ाइन होते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि उसने क्या करना है। अगर हम यूज़र और कंप्यूटर के हवाले से बात करें तो सॉफ्टवेयर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंटरफेस डेवलप करता है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। इंटरफेस को हम एक डोर की तरह ले सकते हैं जिसे एक साइड से दूसरी साइड तक कम्युनिकेट किया जा सकता है। सो अगर यूज़र के हवाले से बात करें तो यूज़र के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के लिए बात करें तो उसका पूरा सिस्टम डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर की सर्विसेज के ऊपर कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। सॉफ्टवेयर के हवाले से हमने आपके लिए कुछ एक्सपर्ट से बात की है तो चलिए उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि वो हमें सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बताते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के बारे में वो हमें क्या गाइड करते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर साहब, और तौकीर साहब इज़ बेसिकली वर्किंग एज CEO ऑफ हाइपरटेक सॉल्यूशंस। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक तो आजकल क्या स्कोप है और बीइंग स्टूडेंट हमें कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, जैसे कोविड की वजह से लोग अपना सारे का सारा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं, तो इसी तरह हर इंसान जो है, जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, वो अपनी दुकान चमकाना चाहता है ऑनलाइन। और मोस्टली क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि इफ़ दे आर सेलिंग एनीथिंग, इफ दे आर इवन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, दे वांट टू बिल्ड अ वेबसाइट जिसमें आसानी से लोग आए और वहां पर आकर अपनी सर्विसेज सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर ई कॉमर्स स्टोर है तो ई कॉमर्स स्टोर में आमतौर पर लोग चाहते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, प्रोडक्ट डिस्प्ले करके लोग उसको कंपेयर करें, कंपैरिजन करें प्राइसेस के साथ, डिस्काउंट्स के साथ, और फिर चेकआउट पर जाकर पेमेंट गेटवे के थ्रू अपनी पेमेंट्स करवाएं। तो इस प्रोसेस में आमतौर पर जो डेवलपर्स है, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो चीज़ डेवलप करना ज़रूरी होती है, लाजमी होती है, वो है द चेकआउट प्रोसेस एंड मेकिंग द शॉपिंग प्रोसेस वेरी इजी फॉर द कस्टमर्स एंड फॉर द यूजर्स। दूसरी साइड पे हमें अगर बैकएंड पे जाते हैं, जो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो स्टाफ है या एडमिन है या जो सेलर है उसके लिए आसानी पैदा हो कि वो सारे ऑर्डर्स को देख सके, उसको प्रोसेस कर सके और सारी ट्रांजैक्शंस को देख सके, कंफर्म कर सके। तो इसलिए आजकल मोस्टली जो डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो डेवलपर्स के लिए जो स्कोप है वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का है कि उनको ऑनलाइन शॉप्स या ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर ज़्यादा जो है वो स्किल्स हों और वो उसको डेवलप करना जानते हों, उसका आर्किटेक्चर उनको पता हो। जी, तो ये तो मज़ीद ये बताइएगा हमारे स्टूडेंट्स के हवाले से कि जो यंग ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं एंड दे वांट टू एंटर इनटू द प्रोग्रामिंग फील्ड, तो आप क्या देखते हैं जब ये डेवलपर हायर करते हैं तो कौन कौन से स्किल्स उसमें होने चाहिए या स्पेशल जिन्होंने सॉफ्टवेयर पे काम कर रखा हो, तो अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। देखें जी, जैसे आजकल हर चीज़ जो है वो ओपन सोर्स है, हर तरह का कोड ऑनलाइन मिल जाता है, तो अपार्ट फ्रॉम द बेसिक स्किल्स अगर कोई भी बिगनर है या जो डेवलपमेंट उसने स्टार्ट की है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि उसको बेसिक्स जो है वो पता होनी चाहिए डेवलपमेंट की या कोडिंग की, या फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन द PHP तो बेसिक सेंटेक्स पता होने चाहिए। उसके बाद कोड की हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन मिल जाती है क्योंकि हर चीज़ ओपन सोर्स है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी बिगनर के लिए या किसी भी जो लोग हैं जिनको हम हायर करते हैं उसमें हम खास तौर पे जो स्किल्स देखते हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक ऐसी है जो कि ना सिर्फ डेवलपमेंट बल्कि आम जिंदगी में भी बड़ी बड़ा रोल प्ले करती है। अगर एक कोई भी डेवलपर के अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, किसी किसी कोडिंग की प्रॉब्लम को या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको अगर वो रिजॉल्व कर सकता है तो मेरे ख्याल से ही इज़ वेरी फर्स्ट पर्सन डेट वी आर गोइंग टू हायर।
इसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी एप्लीकेशन की और उसको उसका सिनेरियो बनाना, आर्किटेक्चर बनाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ कि कोडिंग करना कोडिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का जो है वो एक डेवलपर के अंदर होना। तो अगर तो स्टूडेंट्स को ये भी गाइड कीजिएगा कि अगर वो डेवलपिंग साइट पे आना चाहते हैं तो कोई खास पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज जो कि ज़रूर उसको देख लें और समझ लें, जिस तरह PHP है या एंगुलर JS है या फुल स्टैक डेवलपर्स के बारे में आजकल हम सुन रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रुझान है, तो मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर लैंग्वेज जो कि आप गाइड करना चाहें कि उसको ज़रूर सीखें। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी होती है कि एक स्टूडेंट का किस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर वो मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहता है तो आजकल अगर iOS की बात देखते हैं तो आजकल स्विफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इन है और लेटेस्ट है। इसके अलावा अगर वो एंड्रॉयड में करना चाहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो है, लेकिन मोस्टली जो सबसे बेसिक जो कोई भी डेवलपर अपना करियर स्टार्ट करता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये समझता हूँ कि PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि उसके बेशुमार ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जिनको आप आसानी से लर्निंग कर सकते हैं, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके और डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशंस डेवलप करके, हॉबी एप्लीकेशंस डेवलप करके उसको सीख सकते हैं। उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की तरफ, जो कि मैं ये समझता हूँ कि आजकल बीन स्टैक डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा रुझान है, बहुत सारे क्लाइंट्स इस फील्ड में इस टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो मेरे ख्याल से इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, आप एक साल दो साल अपना एक्सपीरियंस गेन करें PHP डेवलपमेंट में, कोडिंग नेटर में, उसके बाद आप मूव करें एंगुलर पे, MongoDB पे और इसके अलावा Node.js पे। तो मेरे ख्याल से आज का लेटेस्ट ट्रेंड जो है, जो चल रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वो मीन स्टैक डेवलपमेंट, बिकॉज इट्स फास्टर एंड देर इज़ लेस कॉम्पिटिशन, सो देर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड। Being a project manager of a software house, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं हमारे students को कि software basically है क्या? Basically ये एक set of instructions हैं जो भी एक ऐसी चीज़ जो एक user के लिए ना एक ease पैदा करे उसके लिए, ठीक है, कोई भी उसकी activity है जो वो easily perform कर ले वो, उसको हम software कहते हैं। आप मतलब academics में ही देख लें, ठीक है, कि अब सारा काम जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, एक प्रेजेंटेशंस पे हो रहा है। अब वो हम सॉफ्ट कॉपीज़ की तरफ मूव कर चुके हैं बुक्स को छोड़ के, मतलब बुक्स बाय करना भी वो एक ट्रेंड भी ख़त्म हो चुका है। तो ये है कि आजकल इंडस्ट्री जो सॉफ्टवेयर की वो काफ़ी एक्सपेंड हो चुकी है। उसमें ये है कि हम डिफरेंट जो आजकल जिन हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अगर खाली हम उन्हीं को देख लें कि एक पुराना दौर होता था कि जिसमें ई कॉमर्स का सलूशन सिंपल आपकी एक शॉप होती थी, ठीक है, अब आप क्या है कि आपने अगर एक शॉप करनी है तो उससे पहले आप उसकी ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है, उसके अलावा उसके लिए आप सॉफ्टवेयर पहले डेवलप कर लेते हैं, फिज़िकल शॉप आप बाद में उसको बिल्ड करते हैं। सॉफ्टवेयर ये कि आप अपनी सारी प्रोजेक्ट वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर लॉन्च कर दिए आपने, ठीक है, उसको वहाँ पर उसकी प्रमोशन किया आपने। जिस तरह आप ये देख लें, अभी रिसेंटली एक आया था Garana.com, ठीक है, उन्होंने पहले सिर्फ अपनी प्रमोशन की, ठीक, हाँ बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट बिल्ड की, अभी मतलब उन्होंने अपना ऑफिस लॉन्च भी नहीं किया, बट तो वो हर जगह आपको Garana.com ही। तो मतलब इतनी एक्सपेंड हो चुकी हुई ये इंडस्ट्री के आप पहले अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब आप कोई अपनी वेबसाइट बिल्ड करेंगे, फिर आप चाहेंगे कि उसकी कोई मोबाइल ऐप हो, उसके बाद आप अपने फिजिकल प्रोडक्ट या फिजिकल लॉन्च की तरफ जाते हैं। हमारे स्टूडेंट डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि अपडेट की जरूरत क्यों पड़ती है और अपडेट को हम प्रीबिल्ड सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कैसे करते हैं। बेसिकली जब एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन को हमें अपडेट करना पड़ता है ना, तो मोस्टली उसमें यह होता है कि कोई एक ऐसा फीचर होता है जो क्लाइंट को थ्रू द यूज़र फीडबैक या थ्रू यूजिंग द एप्लीकेशन उसको पता लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ भी थी। सपोज़ अगर हम एक ई कॉमर्स सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें पहले पेमेंट सिस्टम नहीं था, अब वो कहता है कि भाई इस अपडेट में मैं चाहता हूँ कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग फीचर भी आप इंक्लूड कर दे। अब वो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग फीचर उसने कह दिया तो हमने कहा ओके, उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि हम पहले उसको एक डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो ऐसे काम कर रही थी, अब हम ऐसा करेंगे कि उसमें एक चेकआउट पेज और फिर उसके बाद आपको आपकी उसमें क्या कहते हैं ईमेल नोटिफिकेशंस और यूज़र का जो पेमेंट सिस्टम है वो आपको इंटीग्रेट करके देंगे, बट उससे पहले ये उसका डिज़ाइन है। पहला फेज हम ये होता है कि हम उसको टेस्ट मोड या बेटा मोड जिसे आप कहते हैं उसमें उसको लॉन्च करते हैं।
जो उसके अपने स्टेक होल्डर्स होते हैं या जो जिस जो भी मतलब उसके शेयर होल्डर्स हैं वो उसको टेस्ट कर लेते हैं प्रॉपरली। फिर हम जो उसकी एक लाइव वेबसाइट हो रही है उसमें बेसिकली हमें जो मेंटेनेंस में ना 1 या 2 आवर्स लग जाते हैं उसको स्विच करने में, ठीक है। तो हम बेसिकली जो होता है कि जो उसका बिजनेस रन हो रहा होता है वो डिस्टर्ब ना हो, एक नोटिफिकेशन लॉन्च कर देते हैं, एक न्यूज़ लॉन्च कर देते हैं वेबसाइट पे कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक आपकी जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब होगा बिकॉज वी आर अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर। तो उसमें ये होता है कि हम अपना टाइम मेंटेनेंस का क्लाइंट के साथ डिसाइड करके तो वो अपडेट उस पर रन कर देते हैं, तो उसका ऑपरेशन डिस्टर्ब नहीं होता है क्योंकि बेसिकली ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस के थ्रू रन कर रहे होते हैं, वो डेटाबेस वो सारी चीज़ें प्रिपरेशन हमने पहले कर ली होती हैं, ठीक है। और हमारा मेन एम ये होता है कि हम जो भी अपडेट करें उसमें जो है क्लाइंट का बिजनेस ना डिस्टर्ब हो। Types of the software. There are basically two types of computer software. जिसमें सबसे पहले हमारे पास है system software, and the second type is the application software. सबसे पहले discuss करते हैं कि system software कैसे काम करता है. System software computer के तमाम operations को control करता है. और अगर हम layer के हवाले से बात करें तो जो hardware है उससे directly linked होता है system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर जब आपका कंप्यूटर बनता है तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको डिज़ाइन करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। और लैंग्वेज के हवाले से बात की जाए तो ये हमेशा लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बैकबोन की तरह काम करता है जो कि आपके हार्डवेयर को भी मैनेज कर रहा है और यूज़र के साथ भी इंट्रैक्ट कर रहा है टू डू डिफरेंट ऑपरेशंस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ दैट इट हेल्प यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। आप देख सकते हैं कि जितनी भी आपका इंट्रैक्शन होता है कंप्यूटर के साथ वो तमाम का तमाम एक सॉफ्टवेयर के साथ होता है। यानी जब आप कंप्यूटर को बूट अप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें सबसे पहले अगर आपने पासवर्ड लगाया हुआ है तो पासवर्ड आएगा आपके पास कि जी पासवर्ड एंटर करें, और उसके बाद आप एक मेन मेन्यू में एंटर हो जाते हैं जो कि आपको इंट्रैक्ट करा सकता है कंप्यूटर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वर्ड फाइल बनानी है या आपने गेम खेलना है या आपने इंटरनेट पे ब्राउजिंग करनी है, तो वो तमाम का तमाम काम आप उस सॉफ्टवेयर के साथ कर रहे होते हैं। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ टू मॉनिटर द हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स। जिस तरह आपका CPU है, मेमोरी है या पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इन तमाम को ना सिर्फ मॉनिटर करता है बल्कि एनालाइज करता है इनकी परफॉर्मेंस को। जिस तरह अगर हमारा जो कंप्यूटर है वो हीट हो जाता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक अलार्म जनरेट करता है कि इस वक्त आपका CPU जो है वो हीटअप हो गया है। सो थिंग्स कैन बी डन टू कूल इट डाउन। साथ ही साथ अगर मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गई है और अब आपके पास स्पेस कम रह गई है तो उसके हवाले से भी वो आपको अलर्ट्स देता रहता है, क्लीन अप प्रोसीजर्स भी एग्जीक्यूट करता है। नाउ कम्स द फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी वो कौन से फीचर्स हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर में होने चाहिए जो कि आपके कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। सबसे पहले इट शुड बी क्लोज टू द सिस्टम, यानी उसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से हो कि वो सिस्टम के बहुत करीब हो और उसके हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया हो। द सेकेंड इज़ इट शुड बी फास्ट इन स्पीड, यानी डेफिनेटली अगर आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो फास्ट नहीं होगा तो उसके ऊपर आपने बहुत सारे काम करने हैं और उन वो तमाम कामों से आपकी स्पीड स्लो हो सकती है, तो इट मस्ट बी फास्ट। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ बेसिकली डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन क्योंकि उसने बहुत सारे ऑपरेशंस को देखना होता है और बेसिकली आपके कंप्यूटर डिवाइस को मैनेज करना होता है। क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन सो डेफिनेटली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ कॉमन पर्सन, एंड देन इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट। यानी अगर आप उसको छेड़छाड़ करना चाहें उसके साथ, उसके सॉफ्टवेयर को करप्ट करना चाहें, तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल है एक आम यूज़र के लिए, लेकिन डेफिनेटली जो हैकर्स हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट कर सकते हैं।
सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो बेसिकली ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि देर आर थ्री काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज है, देन योर असेंबली लैंग्वेज, एंड देन इज दी हाई लेवल लैंग्वेज। जब भी हम प्रोग्रामर्स कोड करते हैं तो जनरली जो कोडिंग होती है, जिस तरह आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की बात करें, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात करें, तो जो कोडिंग है वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ अ लैंग्वेज विच इज़ क्लोज टू दी ह्यूमन लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन जीरोज एंड वन, और इसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इसीलिए ये अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोडिंग मशीन लैंग्वेज में होती है। टाइप्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले है ऑपरेटिंग सिस्टम, द सेकेंड वन इज़ द डिवाइस ड्राइवर्स, एंड थर्ड वन इज़ द यूटिलिटी प्रोग्राम्स। सो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन विच हाइड्स द हार्डवेयर कंपोनेंट्स फ्रॉम द यूज़र। यानी जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं आफ्टर स्टार्टिंग योर कंप्यूटर, तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि हार्डवेयर पीछे कैसे काम कर रहा है, सीपीयू कैसे चल रहा है, हार्ड डिस्क कैसे चल रही है, मेमोरी कैसे मैनेज हो रही है, रैम किस तरह कंज्यूम हो रही है। तो ये तमाम ऑपरेशन जो कि हार्डवेयर रिलेटेड है, इसका कंसर्न यूज़र के साथ नहीं होता, और ये एक एब्स्ट्रैक्शन यानी एक लेयर डिवेलप करता है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। कोई भी मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर काम नहीं कर सकती। तो अगर हम ये कहें कि कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर बिल्कुल बेकार है, तो ये बिल्कुल सही होगा। अब कंप्यूटर हमारे पास, हम देखते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो इन सब के अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो डिवाइसेस हमारे लिए बिल्कुल बेजान और डेफ एंड डम डिवाइसेस हो जाएंगे। इट इज़ द फर्स्ट थिंग टू बी इंस्टॉल्ड इन दी कंप्यूटर, यानी अगर जो सबसे पहला काम अगर हमने अपनी मशीन के साथ करना है टू मेक इट वर्केबल, तो वो है कि आपने सबसे पहले उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। देर आर वराइटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन डेस्कटॉप कंप्यूटर। अगर हम लैपटॉप्स की बात करें, तो जब एप्पल्स के लैपटॉप की आप बात करते हैं तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट है, जबकि अगर आप दूसरे डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो आप उसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो विंडोज़ है उसके भी आपके पास बेशुमार वर्जन हैं, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ NT है। तो देर आर मेनी काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इस्तेमाल होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द हार्डवेयर। अगर स्टूडेंट के लिहाज से बात की जाए तो मेनली यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हमारा हमेशा विंडोज़ से होता है, क्योंकि एज अ यूज़र हम नए नए आए होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो यूज़र के लिए विंडोज़ यूज़ करना आसान है क्योंकि इट्स मोस्ट फ्रेंडली बेस्ड है। और लेकिन अब मोस्ट एडवांस जब हम डेवलपमेंट की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए लिनक्स आसान है, क्योंकि लिनक्स के अंदर हमारे पास इजीली गिटहब की लाइब्रेरीज अटैच हो जाती हैं। फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट हमारे लिए लिनक्स इज़ बेस्ट एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी और डेवलपमेंट के लिए आसान है। लेकिन मोस्टली अगर स्टूडेंट देखा जाए तो वो ईजी वे होता है, हम विंडोज़ यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें हर चीज़ फ्रेंडली होती है, हमें मोस्टली कोड या ये चीज़ें नहीं देनी पड़ती हैं। तो एज अ स्टूडेंट आई वुड से कि ज़्यादातर स्टूडेंट उनसे विंडोज़ पे जाते हैं, लेकिन एज अ डेवलपर आई वुड सजेस्ट के लिनक्स पे हमें कन्वर्ट करना चाहिए। द सेकेंड काइंड ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो डेफिनेटली आपके जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर एम्बेड होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन इनका बेसिक फंक्शन क्या है? इनका बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर के हार्डवेयर के प्रोसेसेस को मॉनिटर करना और एनालाइज करना कि क्या ये सही काम कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम कहते हैं कि जी हमारी जो हार्ड डिस्क है उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गई है और उसको ज़रूरत है थोड़ा सा क्लीनअप की, तो फाइल कंप्रेशन का आपको अलर्ट आता है कि फ़ाइल आपकी कंप्रेस कर दी जाए, वो फाइल्स जो कि आपने बहुत देर तक यूज़ नहीं की है, यानी काफ़ी टाइम हो गया उनको यूज़ किए हुए, तो फाइल कंप्रेशन हो गया या हार्ड डिस्क की फॉर्मेटिंग हो गई या एंटीवायरस के अलर्ट्स जो हैं, ये तमाम काम आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स के ज़रिए होता है। द थर्ड टाइप इज़ द डिवाइस ड्राइवर। हम जब भी कोई हार्डवेयर कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए, यानी उसको चलाने के लिए हमें उसके ड्राइवर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह अगर आप कार या बाइक या साइकिल चलाते हैं तो डेफिनेटली यू नीड अ ड्राइवर टू ड्राइव दैट
व्हीकल बिल्कुल इसी तरह जब आप अपना हार्डवेयर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर की एग्जाम्पल लें, तो जब आप प्रिंटर को इस्तेमाल करने के लिए आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है. सो ड्राइवर इज़ रिलेटेड टू एवरी डिवाइस. और जब भी कोई भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चर होता है तो उसका ड्राइवर उसके साथ आता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर जिसको आप इंस्टॉल करते हैं और ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है विद दैट डिवाइस. द सेकेंड टाइप ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको लग रहा होगा कि काफ़ी मुश्किल सा नाम है, लेकिन हम अमूमन सुनने में आते हैं कि जी हमने अपने फ़ोन पे ये वाली ऐप कर ली है या हमने अपने डेस्कटॉप पे ये वाली ऐप कर ली है. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ऐप है और हम मोस्टली इसी को कॉल करते हैं. सो दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम मोस्टली ऐप का नाम देते हैं, ये किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन की जाती है. यानी कोई ना कोई एक ऐसा टास्क जिसको ये परफॉर्म करती है और किसी दूसरे टास्क के लिए ये अप्लाई नहीं होती. मोस्टली जो प्रोग्रामर्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप्स बनाते हैं. डेस्कटॉप के लिए डिफरेंट ऐप बनाते हैं, मोबाइल के लिए डिफरेंट ऐप्स बनाई जाती हैं. अगर हम ये देखें कि क्या हमारा जो ओवरऑल फंक्शनिंग है कंप्यूटर की, क्या वो एप्लीकेशन या ऐप इंस्टॉल करने से अफेक्ट करती है, सो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती. यानी जो काम कंप्यूटर पहले से कर रहा है वो अपना काम करता रहता है. इट इज़ एन एडिशनल फीचर जो कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐड ऑन करते हैं कोई ख़ास काम करने के लिए. यूज़र या डेवलपर डिफरेंट ऐप्स जो हैं वो डेवलप करते हैं फॉर देयर आदर देयर पर्सनल यूज़ या ऑर्गेनाइजेशनल यूज़ की. यानी फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट गेमिंग ऐप्स हैं जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स को प्ले कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, और हम ऑनलाइन भी बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए हम गेम्स जो हैं वो प्ले कर सकते हैं. इसके अलावा अगर ऑनलाइन रिसर्च ऐप्स की बात करें तो देर आर डिफरेंट एप्लीकेशन जो कि रिसर्च के हवाले से आपके लिए काफ़ी करामद साबित होती हैं और बहुत आसानी पैदा करती हैं रिसर्च करने में. द थर्ड टाइप इज़ दी ग्राफिक डिज़ाइनिंग. सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड और डिफरेंट एप्लीकेशंस आपके पास मौजूद हैं जिससे आप अपनी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो कर सकते हैं. ग्राफिक डिज़ाइनिंग कई किस्म की हो सकती है. आपने कार्ड डिज़ाइन करना है, आपने कोई ब्रोशर डिज़ाइन करना है, जिस तरह आपके विजिटिंग कार्ड्स होते हैं वो डिज़ाइन करने हैं आपने, या आप अगर बैकड्रॉप्स की बात करें तो अगर आप देख सकते हैं कि हमारे जो ग्राफिक डिज़ाइनर है उसने हमारे लिए ये वाला बैकड्रॉप डिज़ाइन किया है एंड वेरी related to the subject of basics of ICT और काफ़ी मेहनत लगी है. So there are many things जो कि graphic designing के हवाले से भी की जा सकती हैं by using different applications. साथ ही साथ अगर हम analysis की बात करें, वो analysis किसी भी किस्म का हो, for example आप spreadsheet को analyze करना चाहते हैं, so उसके analysis के लिए भी there are different apps जो कि इस्तेमाल होती हैं और use की जा सकती हैं. इसके साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा कॉमन एप्लीकेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेली रूटीन में, अपने ऑफिसेज में, अपने घरों पे, अपने लैपटॉप्स के ऊपर, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. यानी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने क्रिएट करना है तो उसके लिए जो एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारी MS ऑफिस या MS वर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें बहुत ऑफिस बेसिकली आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसमें आपकी एक्सेल शामिल है, आपका वर्ड शामिल है, आपका जो है पावर पॉइंट शामिल है. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन जो कि एक ही पैकेज में एम्बेडेड होती हैं. साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरी एप्लीकेशंस बनाने के लिए, यानी अगर हम घर बैठे या अपने लैपटॉप मोबाइल से हम कोई और एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डेफिनेटली वी रिक्वायर अ सॉफ्टवेयर जो कि एप्लीकेशन डेवलप करने में हमारी मदद करेगा. तो हम एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी ऐप्स जो है वो किस तरह काम करते हैं. सो लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल. आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर कि सबसे पहले हमारी जो बॉटम लेयर है वो हमारी हार्डवेयर की लेयर है. उसके ऊपर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू दी हार्डवेयर. और इसके ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज़ दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एप्स जो हैं वो इंस्टॉल होती हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम
के ऊपर वाली लेयर के ऊपर और उससे इंटरेक्ट करती हैं। सो यूज़र इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ एंड देन इट ऑपरेट्स द रिक्वायर्ड हार्डवेयर टू फंक्शन प्रॉपरली एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क।